भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ग्राम सभा गजहरा प्रधान पद के भावी प्रत्याशी आसिया खातून कर्मठ व संघर्षशील, नई सोच नए जोश के साथ काम किया है, काम करूंगी, झूठा वादा नहीं करूंगी। ग्राम सभा गजहरा से प्रधान पद के प्रत्याशी आसिया खातून को प्रधान पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी राजेश यादव का बड़ा दावा। बलिया के बिलहरी ब्लॉक के नीरूपुर गाँव में केवल विकास ही होगा। चुनाव जीतने के बाद गाँव में विकास ही विकास करेंगे। अब तक जो गाँव में विकास नहीं हो पाया उसे पूरा करेंगे। राजेश यादव ने बताया कि सड़क, नाली, पानी और बिजली और शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। बलिया से आनंद दुबे की खास रिपोर्ट। नेक्स्ट पर्चे बताइए। राजेश यादव, ग्राम नीरूपुर ग्रहलीबाग जी, ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी जी। ये बताइए कि प्रधानी का कार्यकाल बीत चुका है और दूसरा दौर अब शुरू हो चुका है और प्रधानी चुनाव भी, मतलब चुनाव पंचायत स्तर पर है, तो आप अपने गाँव में क्या ऐसे कमियाँ देखे और आप क्या अपने गांव के विकास के लिए आप क्या करेंगे? विकास के लिए बहुत देखे, उनको भी देखे, दस बरिस इनको भी देखे, कोई काम ढंग से नहीं हुआ। एक गांव कहने से मैं खड़ा गया विकास करने के लिए जी। तो अभी आपको धरातल पे जैसे कुछ आप अपने गांव के कमियां देखे होंगे, तो आप क्या अभी चीज़ें, अगर आपको जनता चुनती है तो क्या आप गांव में अभी क्या आप करेंगे विकास? विकास में टंकियों की भी बस्ती उस्ती में उधर नहीं चढ़ा है, रास्ता हाँ रोक दिया गया है, जहां तहां रास्ता भी नहीं बना है जी। जी तो उन सभी कार्यों को जैसे प्रधानमंत्री, तो बहुत से देखा जाता है कि प्रधानी कार्यकाल भी बीत चुका है उसके बावजूद भी वो जो संकल्प लेकर मैदान में उतरते हैं वो कार्य नहीं करा पाते हैं, तो क्या आप कितने दिनों में आप अपने गांव को इन सभी चीज़ों से, हर गांव में ऐसी समस्या आती है, नाली और सड़कें ये जर्जर पड़ी रहती है, तो आप इन समस्याओं को कितने दिनों में दिला सकते हैं? जैसे बनने के बाद हमारा काम चालू हो जाएगा जी, बहुत जल्द से जल्द कराएंगे, सब व्यवस्था दिया जाएगा सबको जी। जहाँ पानी नहीं पहुँचा वहाँ पानी पहुँचाया जाएगा, सब व्यवस्था किया जाएगा जी। तो क्या आप कुछ ऐसा भी प्रयास करेंगे कि आपके गांव एक जनपद में कोई एक स्थान पे आए और एक नाम हो आपके गांव का, कुछ ऐसे विचार हैं आपके अंदर? हम भी अपना गांव का विकास करेंगे, सुंदरीकरण बनाएंगे, जो नहीं किया वो करेंगे, हम व्यवस्था दिया जाएगा।